पाकिस्तान का भारत में होने वाली सलामती कॉन्फ्रेंस में शिरकत ना करने का फैसला। दफ्तर खारजा में मुईद यूसुफ ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा कि उज़्बेकिस्तान के मुशीर कौमी सलामती 3 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आए हुए हैं। आज सुबह पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान ने कौमी सलामती के हवाले से मुश्तरक प्रोटोकॉल्स पर दस्तखत किए। मुशीर कौमी सलामती का कहना था कि वो मुशीरान बराए सलामती के इजलास में शिरकत के लिए इंडिया नहीं जाएंगे। पाकिस्तान ने बारहा कहा है कि अगर हिंदुस्तान अपने आप को दुरुस्त कर ले तो हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन इंडिया का करदार अमन तबाह करने वाला है। वज़ीर आज़म इमरान खान बार बार ये बात करते हैं कि पाकिस्तान जुग्राफियाई मुआशी ज़ाब्तों में अपने आप को मुंतकिल कर रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में गैर जमाती बुनियादों पर बलदियाती इलेक्शन गैर आइनी करार। पिशावर हाई कोर्ट के 3 रुकनी लॉर्डशिप बेंच ने नेबरहुड और विलेज कौंसिल इलेक्शन गैर जमाती बुनियादों पर कराने को गैर आइनी करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन को नेबरहुड और विलेज कौंसिल इंतखाबात जमाती बुनियादों पर कराने का हुक्म दे दिया है। पिशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को जमाती बुनियादों पर इलेक्शन कराने के लिए ज़रूरी इकदाम उठाने का भी हुक्म दे दिया। लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन के खिलाफ JUI के अकरम खान दुरानी, जमात इस्लामी के अनायतुल्ला खान और मुश्ताक अहमद खान और दीगर खुश दिल खान हमायतुल्ला मायार ने दरख्वास्त दायर की थी। अदालत ने दरख्वास्तों को जुज़्वी तौर पर मंजूर कर लिया है। बिजली की बुनियादी टैरिफ में 1.68 रुपये फी यूनिट इजाफे पर समाअत मुकम्मल। चेयरमैन नेप्रा की ज़ेरे सदारत हुकूमत की जानिब से बिजली की बुनियादी कीमत में 1.68 रुपये तक इजाफे की दरख्वास्त पर समाअत हुई है। पावर डिवीजन के हुकाम ने कहा है कि इस वक्त बिजली का औसत टैरिफ 13.97 रुपये फी यूनिट है। इस इजाफे के बाद बिजली का औसत टैरिफ 15.36 रुपये हो जाएगा। हुकूमत ट्यूबवेलों वालों को 57 अरब रुपये सब्सिडी दे रही है। 45% छोटे सार्फिन को 6.53 रुपये फीस यूनिट सब्सिडी दी जा रही है। हुकूमत अब भी सार्फिन को 168 रुपये की सब्सिडी दे रही है। बहरीन से इस्लामाबाद आने वाला गैर मुल्की तियारा खौफनाक हादसे से बाल बाल बच गया। सिविल एविएशन जराए के मुताबिक खातून एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को DGCA के हुक्म पर मुअत्तल करके तहकीकात का हुक्म दे दिया गया है। गैर मुल्की एयरलाइन की परवाज बहरीन से इस्लामाबाद आ रही थी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने तियारे की गलत रहनुमाई की, जिसकी वजह से तियारा 8,000 फीट बुलंदी की बजाय 5,000 फीट बुलंदी पर आ गया। तियारा जैसे ही 5,000 फीट बुलंदी पर पहुँचा, ग्राउंड पर एक्सीमिटी वार्निंग सिस्टम जारी हो गई, जिस पर कप्तान हाजिर दिमागी का मुजाहरा करते हुए तियारे को वापस ऊपर ले गया। CTD कुहाड़ पर हमला, फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द हलाक। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट पिशावर की जानिब से जारी बयान के मुताबिक CTD कुहाड़ रीजन के अहलकार हंगू की तहसील टेल और मुजाफात में सर्च एंड स्ट्राइक ऑपरेशन के बाद वापस जा रहे थे कि जहाज और मैदान के करीब दहशतगर्दों ने इन पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई के नतीजे में दहशतगर्द फरार हो गए, जिसके बाद CTD ने इलाके में सर्च ऑपरेशन किया। इस दौरान इलाके से 4 दहशतगर्दों की लाशें मिली। दहशतगर्दों से 4 अदद SMG, 16 अदद चार्जर, 4 अदद बिंडोलियर और सैकड़ों गोलियां बरामद।